हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 5। एन आंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। एक चींटी है जो मूविंग कर रही है, यानी घूम रही है अराउंड, मतलब चारों तरफ फूड पीस, कुछ फूड पीसेस हैं। ये तीन तरह के फूड पीस है ए बी सी, इनके चारों तरफ चींटी घूम रही है। ठीक है, ये तीन फूड पीस है। फॉर विच फूड पीस वुड द आंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। किस फूड पीस के चारों तरफ घूमने में चींटी को ज्यादा लंबा राउंड मारना पड़ेगा, यानी इनडायरेक्टली ये पूछा जा रहा है कि किस फूड पीस का पेरीमीटर ज्यादा है ना। अब चींटी जो चारों तरफ घूमेगी तो उसकी पेरीमीटर पर ही तो घूमेगी, अंदर तो जा नहीं रही है कि एरिया में घूमे, अंदर वाला तो एरिया में आ जाता है ना, तो यानी पेरीमीटर बात हो रही है। जिस फूड पीस का पेरीमीटर ज्यादा होगा, बाहर का उसकी बाउंड्री, वही फूड पीस को घूमने के लिए चींटी को ज्यादा लंबा राउंड लगाना पड़ेगा। यानी इनडायरेक्टली यह कहा जा रहा है कि हमको पेरीमीटर निकालना है। रिमेंबर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल कैन बी ऑब्टेंड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन सी इज इक्वल टू 2πr। यहाँ पे सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला दे दिया है। सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है, जैसे कोई फुल सर्कल है, उसका जो सर्कमफेरेंस होता है, पेरीमीटर को सर्कमफेरेंस कहते हैं। सर्कल के पेरीमीटर को अलग नाम दिया गया है, सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये सर्कमफेरेंस, पेरीमीटर नहीं कहते सर्कल के बाउंड्री को, सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो सर्कमफेरेंस निकालने का फार्मूला दिया गया है 2πr, जिसमें सर्कल में एक होता है आर, जो इसको सेंटर से होकर बाउंड्री तक जाती है उसको बोलते हैं आर। तो इसका फार्मूला होता है 2πr। ये फुल सर्कल का फार्मूला होता है सर्कमफेरेंस का। ठीक है, लेकिन क्या हमें फुल सर्कल का सर्कमफेरेंस चाहिए, बताओ? तो हमें फुल सर्कल का सर्कमफेरेंस नहीं चाहिए, हमें आधे सर्कल का चाहिए। ये आधा सर्कल ही तो है, सारा आधा सर्कल है। यहां भी देखो आधा सर्कल है, यहां भी आधा सर्कल है, हमें सेमी सर्कल का चाहिए सर्कमफेरेंस। अगर फुल सर्कल का इतना है 2πr, तो आधा सर्कल का क्या होगा? किसी भी चीज को अगर आधा करना है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं ना। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इन सब के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी सेमी सर्कल का क्या आ जाएगा सर्कमफेरेंस? सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल वो आ जाएगा πr। 2 से 2 कट गया ना, फुल सर्कल का था 2πr, तो आधे सर्कल के कितना आया? πr। आधे सर्कल के क्यों निकाले? क्योंकि यहां पर सारे फिगर में आधा सर्कल ही दिया हुआ है। ठीक है, यानी एक चीज हमें पता चल गया कि आधे सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है πr, एक चीज ये पता चल गया। दूसरा चीज, अब एक चीज हम पता करेंगे कि पाई तो पता है हमको, पाई होता है कितना? 22/7। पाई की वैल्यू होती है 22/7, लेकिन आर की वैल्यू हमको नहीं पता है। आर हम पता करेंगे, कैसे पता करेंगे? देखो, ये जो सर्कल होता है, इसमें इसके सेंटर से इसके बाउंड्री तक की जो दूरी होती है वही होता है आर। ठीक है, और अगर इसको हम पूरा मिला देते हैं तो ये हो जाता है 2r, है कि नहीं? ये भी तो आर है, तो इसको बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं बेटा? डायमीटर में 2r होता है ना, एक आर यहां से यहां तक और दूसरा आर यहां से यहां तक। तो आप अगर ध्यान दें, ये वाला हिस्सा जो है यहां पर दिया गया है, ये वाला, यानी ये इसका हो जाएगा सेंटर सेमी सर्कल का, और इतना हो गया एक आर और इतना हो गया दूसरा आर, है कि नहीं? सेम ऐसे ही देखो, तो पूरा यहां से यहां तक की डिस्टेंस दिया गया है 28 सेंटीमीटर। कितना दिया गया बेटा? 2.8 सेंटीमीटर, 28 नहीं, 2.8 सेंटीमीटर। ये दिया गया है किसकी वैल्यू? 2r की वैल्यू ना। अगर हमें 1r की वैल्यू चाहिए तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं? ये है डायमीटर, एक्चुअली में ये क्या है, इसको बोलते हैं डायमीटर। और डायमीटर का आधा जो होता है वो रेडियस होता है। अगर ये पूरा लेंगे तो ये हो जाएगा डायमीटर, क्योंकि एक डायमीटर में दो रेडियस होते हैं, इसलिए डायमीटर का जो आधा होता है वो रेडियस होता है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो डायमीटर है 2.8,
अब आधा कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगा, आधा करने के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं किसी भी चीज को, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 14 बार, 14 2 जा 28 होता है ना, वैसे भी देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और एक डिजिट पे पॉइंट है, यानी हमारा रेडियस कितना आ गया 1.4। ठीक है, तो ये दो चीज हम लिख लेंगे जो हमको मिल गया, अभी रेडियस हम यहां लिख देते हैं, इन सभी के लिए वही होगा क्योंकि सभी में डायमीटर जो है 2.8 ही दिया गया है। देखो इसमें भी यहां से यहां तक के डिस्टेंस 2.8, इसमें भी यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2.8, तो सभी के लिए जो रेडियस होगा वो कितना होगा 1.4, रेडियस हमको पता चल गया, बाकी हम निकाल लेंगे। अब यहां पे इस फिगर का एक चीज और दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर, इसकी बगल वाली साइड दी गई है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, लिखे नहीं थे हम। चलो अब स्टार्ट करते हैं, इसको इरेज कर देंगे, आपको समझाने के लिए हम बनाए थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक फिगर का पेरीमीटर हम लोग निकालेंगे, पहले ए वाले फिगर का कर लेते हैं, लिखेंगे क्या टोटल जीटी राउंड लगा रही है ना, तो वही लिख लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय आंट, कितना घूमेगी वो, ऐसे चलेगी तो पूरा एक सेमी सर्कल घूमेगी पहले ना, और सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है अभी हम लोग निकाल लेते हैं, पाई आर, और क्या घूमेगी फिर, इधर भी तो चलेगी, और ये है क्या एक्चुअली में डायमीटर है ना सेमी सर्कल का, प्लस डी, इतना वो घूमेगी पहले वाले फिगर के लिए। पाई की वैल्यू आपको क्या बताए थे अभी, 22/7, हमेशा पाई की वैल्यू 22/7 होगी, ठीक है, और इनटू आर अभी हम लोग फाइंड कर चुके हैं कितना है 1.4, प्लस डी कितना है, यानी ये वाला डायमीटर टोटल 2.8, यही होगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके यही आगे लिख देंगे, अब ये कट जाएगा ना, हम मल्टीप्लाई है तो 7 से जब 14 को काटेंगे तो 7 2 जा 14 होता है, लेकिन पॉइंट लगा है एक डिजिट बात, एक डिजिट पॉइंट लगा दो, योग्य 0.2। अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 का 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 2 जा होता है 44, है ना 44, और एक डिजिट बाद पॉइंट लगा है तो यहां पर भी एक डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, प्लस ये क्या है 2.8। अब ऐड कर दो, ऐड करके क्या आ जाएगा, 8 और 4 हमारा हुआ 12, कैरी 1, 4 और 2 6 और 1 कैरी था 7, और एक डिजिट पर पॉइंट क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना, 4.4 और 2.8 जब ऐड करोगे तो यही तो आएगा, एक ही डिजिट पॉइंट लगेगा ना, मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं कि दो डिजिट पे लगा देते पॉइंट, एक डिजिट यहाँ एक डिजिट यहाँ, लेकिन यहाँ ऐड है तो एक ही डिजिट पे लगेगा इस तरीके से, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए फिगर ए का डिस्टेंस हमें पता चल गया 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है, अब फिगर बी का निकालते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय आंट, फिगर बी के लिए देख लेते हैं, इसमें कितना चलेगी वो चीटी, मान लो यहां चलती है तो पहले एक सेमी सर्कल घूमेगी वो, और सेमी सर्कल क्या होता है हमारा पाई आर प्लस, उसके बाद ऐसे जाएगी ऊपर, है ना, ये कितना है 1.5 सेंटीमीटर, फिर ऐसे आएगी, ये कितना है जितना ये नीचे वाला है उसी के बराबर ही तो है 2.8 प्लस, अब उसके बाद यहां से ऐसे चलेगी और ये कितना है हमारा जितना ये वाला है उसी के बराबर है 1.5। चलो अब पाई आर निकालेंगे, अगर आप ध्यान दें तो पाई आर जो है यही तो है जो हम लोग सॉल्व किए हैं, है कि नहीं, इतना है पाई आर, और पाई आर की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 4.4, तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, जब एक बार आप निकाल चुके हैं डायरेक्ट लिख सकते हैं 4.4 प्लस 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5, अब सबको ऐड कर दो। चलो ऐड करते हैं, 4 और 5 9 और 8 17 और 5 22, कैरी कितना आया 2, एक डिजिट पॉइंट लगा दो, ऐड कर रहे हैं तो ना समय एक ही डिजिट बाद है, टैग कैरी कितना है 2, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और 4 10,
10.2 सेंटीमीटर आया। ठीक है, आप ऊपर नीचे लिख के भी इसको ऐड कर सकते हैं अलग से कहीं रफ में, लेकिन ऐसा भी सीखो डायरेक्ट ऐड करना है। सी डिस्टेंस कवर्ड बाई आंट, इसमें आंट को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो आंट अगर यहाँ से चलना शुरू करेगी तो पहले एक सेमी सर्कल चलेगी वो, है ना, और सेमी सर्कल क्या होता है पाई आर प्लस, ऐसे चलेगी फिर, और ये कितना दिया हुआ है टू सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ये भी है और 2 सेंटीमीटर ये भी है। ठीक है, तो ये है 2 और ये भी है 2, यानी 2 प्लस 2, पाई आर कितना आया था हमारा 4.4 प्लस 2 प्लस 2 कितना आ गया, ये 2 और 2 4 और 4 8, और 0.4 तो 0.4 रहेगा ही अकेले में, है ना। ठीक है, इतना सेंटीमीटर अलग से ऐड करके दिखा दें आपको, 4.4 इसमें 2 ऐड करेंगे, ऐसे ऐड करना जब करना, तो पॉइंट नीचे पॉइंट लगाकर 0 0 लिख देना। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं पॉइंट नीचे पॉइंट लिखने के लिए, ये हो गया 4, ये हो गया पॉइंट और ये हो गया 8.4 आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पूछा ये था कि किस फिगर को घूमने में ज़्यादा राउंड लगाना पड़ेगा, चींटी को 7.2 सेंटीमीटर इसके लिए घूमना पड़ेगा, 10.2 सेंटीमीटर इसके लिए घूमना पड़ेगा और 8.4 सेंटीमीटर इसके लिए घूमना पड़ेगा, तो ज़्यादा तो यही आया है ना, बी वाला। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, आंसर यहाँ नीचे लिख देते हैं, फॉर फूड पीस बी, फॉर फूड पीस बी द आंट have to take a longer round, फूड पीस बी के लिए आंट को लंबा राउंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, ऐसे आपको लिखना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं अब आपसे 11.2 में, तब तक के लिए जय हिंद।